नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। एक बार सभी को फिर से बधाई जो बच्चे सेकेंड लिस्ट में ASI में शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। और साथ ही साथ एक और खुशखबरी जो परीक्षा प्लस टीम के द्वारा आपके लिए ये है कि आपके जितने भी छोटे भाई हैं, आपके अनुज हैं, उनको बताइए कि परीक्षा प्लस टीम जो है UP कॉन्स्टेबल की जो वैकेंसी आने वाली है 26,000 प्लस के अप्रॉक्स, उसी बैच को पूरी तरह से निःशुल्क चलाएगी। तो आप उनसे बता सकते हैं कि आप परीक्षा प्लस के साथ जुड़िए, वो अंत तक आपके हर वैकेंसी में साथ देती हैं। तो कुछ जो आपके प्रश्न हैं सेकेंड लिस्ट से, आप लोगों ने कट ऑफ देखा होगा, तो कुछ बच्चों के प्रश्न हैं, कल रात से ही बच्चे प्रश्न पूछ रहे हैं, उसी का जवाब देने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। एक्चुअली प्रश्न क्या है कि कट ऑफ से लेकर है और फर्स्ट वाला जो आपका कट ऑफ जारी हुआ था उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो सेकेंड कट ऑफ आप लोग सभी लोग जान रहे हो कि जो UR की गई है SI और SI में 304 नंबर गई है। तो सबसे बड़ी बात जो प्रश्न ये है कि बच्चा एक पूछा कि जो पिछली पहले फर्स्ट लिस्ट में सेलेक्टेड था, ठीक है, वो ST कैटेगरी का था, एक बच्चे का क्वेश्चन था और फर्स्ट लिस्ट में सेलेक्टेड था, उसका DV हो चुका था और वो बंदा था BCOM का, ठीक है, मतलब कॉमर्स से रिलेटेड था, वो ASI में पिछली बार अकाउंट वाले में सेलेक्ट था। तो उसका क्वेश्चन ये है, ऐसे कई लोगों के क्वेश्चन होंगे और किसी कैटेगरी से रिलेटेड होंगे, तो BCOM था उसके पास, ASI अकाउंटेंट में पहली बार जब लिस्ट आई थी आपकी कट ऑफ उसमें वो सेलेक्ट हो गया था, ठीक है, उसकी DB भी हो चुकी है, सब कुछ ओके है, DB में भी पास है, लेकिन सेकेंड लिस्ट जब आई है तो सेकेंड लिस्ट में उसका प्रश्न है कि सर सेकेंड लिस्ट जब आई तो एक्चुअली मेरा कट ऑफ जो आ रहा है अब सेकेंड लिस्ट के अकॉर्डिंग, वो मेरा कट ऑफ इसमें भी लाई कर रहा है। और अकाउंटेंट वाला बच्चा प्रेफरेंस तो सब भर सकता है, उसके लिए अलग से कोई ऐसा नहीं था, वो स्टेनो भी भर सकता था और क्लर्क भी भर सकता है, तो उसने सभी प्रेफरेंस भरी है, ठीक है, अकाउंटेंट वाला पहले पे भरा है। तो उसका कहना ये मेन प्रश्न है कि सर मेरा अब जो कट ऑफ लाई कर रहा है सेकंड के अकॉर्डिंग, मैं इसमें लाई कर रहा हूं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग कि मेरा इसमें भी नाम होना चाहिए सेकंड लिस्ट में, इस वाले में, मिनिस्ट्रियल वाले में और कॉन्फिडेंशियल वाले में होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है उसका कहना उचित है, ऐसे कई लोगों के प्रश्न होंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि जब आपका एक बार DB हो चुका है तो दोबारा आपका नाम नहीं रहेगा लिस्ट में, वो आपको कंसीडर किया जाएगा जब आपका स्किल टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका स्किल टेस्ट ओके हो जाता है फिर जब मेरिट बनेगी, अगर आप उस मेरिट में, आप BCOM भला ही किए हों, उस मेरिट में अगर आप ASI के कट ऑफ के बराबर आगे मिनिस्ट्रियल के, तो मिनिस्ट्रियल में रख दिया जाएगा। अगर आप निकाल ले जाते हो और आप SI के बराबर आ जाते हो, कट ऑफ में आ जाते हो, लाई कर जाते हो, तो आपको वो प्रेफरेंस मिल जाएगा, मतलब आपके पहले प्रेफरेंस, पहला प्रेफरेंस वही मिलेगा जो आप भरे रहोगे, वही आपको चांसेस रहेगा अगर आप लाई करते हो उस कट ऑफ में जो लास्ट में कट ऑफ बनेगी, तो ठीक है। तो उससे आप कंफ्यूजन ना रखो कि मेरा पहले लिस्ट में था दूसरे में क्यों नहीं है, वो आपको कंसीडर कर लिया गया है, ठीक है। अच्छा चलो, कुछ बात ये भी है, कुछ बच्चों का एक प्रश्न और है, एक तो ये प्रश्न क्लियर हो गया, दूसरा ये है कि कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर मेरे 148 क्वेश्चन था, ठीक है, 148 क्वेश्चन है और उनका क्लियर था पिछली बार, वो लोग BCOM वाला जो आपका ASI अकाउंटेंट है उनमें उनका नाम आया था, ये लोग गड़बड़ी कहाँ कर दिए, इस बात को ध्यान रखें। 148 क्वेश्चन था ASI अकाउंटेंट वाले में, शायद जो भी हो ASI अकाउंटेंट में वो लोग सेलेक्टेड थे, ठीक, 148 क्वेश्चन था लेकिन गया जो था आपका वो कैटेगरी कुछ और रही होगी, कैटेगरी नहीं बदल पता है, ASI अकाउंटेंट में उनका नाम था पिछले पहले जो लिस्ट आई थी, लेकिन उनका जो बोला जो उनका कहना यह था सर मेरे पास BCOM नहीं था, बस मैंने गलती से क्योंकि फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हो रहा था तो मैंने लास्ट में प्रेफरेंस क्या डाल दिया था, अकाउंटेंट वाला डाल दिया था जिससे फॉर्म एक्सेप्ट हो गया था, ठीक है, तो इस वजह से इनका जो नाम था वो अकाउंटेंट में सेलेक्ट हो गए, लेकिन ये बेचारे DB देने नहीं गए, ठीक है, ये बेचारे DB देने नहीं गए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बच्चों ने DB में बताया कि BTech करने वाले चाहे BSc करने वाले ऐसे बंदे थे जो अकाउंटेंट में सेलेक्ट हुए थे और उनकी DB हुई, मतलब वो लोग DB में गए और DB में पास भी कर दिया गया, ये बात ध्यान रखना, दोनों अलग अलग है, DB में पास कर दिया। ये बच्चे जो नहीं गए वो मुझे कांटेक्ट किए कि सर अब मैं क्या करूं, क्योंकि अब तो मेरा इसमें आ जाना चाहिए, सेकंड लिस्ट में नाम आ जाना चाहिए, लेकिन नहीं आया, इसलिए नहीं आया क्योंकि आप पहले लिस्ट में सेलेक्टेड थे और वहां पे आप हो गए अब्सेंट, आप वहां हो गए
अबसेंट। अगर आप गए होते, ठीक है आपका बीकॉम नहीं था, आप बताए होते डॉक्यूमेंट में, तो वो आपको फ्यूचर कंसिडरेशन में रख लेते हैं। समझ में आ रहा है? आपका बीकॉम नहीं था, आप एसआई अकाउंटेंट के लिए सेलेक्ट हुए थे, कोई इशू नहीं था, लेकिन वो आपको फ्यूचर कंसिडरेशन में रख लेते हैं। वहां पर लिख दिया जाता है कि अगले लिस्ट के लिए आपको हो सकता है, वो कंसिडर कर लें। तो जो बच्चे प्रेजेंट थे यहां पर, जैसे ये वाले बच्चे, मैंने कहा बीटेक और बीएससी होने के बाद भी ये अकाउंटेंट में सेलेक्ट हुए थे, इनकी डीबी हुई, इनके पास कॉमर्स तो था नहीं, तो इनकी डीबी हुई, तो इनको फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख लिया गया कि अगर आपका सेकेंड लिस्ट आता है तो उसमें आप जिसमें लाई करोगे उसके लिए आपको वैलिड माना जाएगा, मतलब आपकी डीबी फिर से नहीं होगी क्योंकि आप डीबी में प्रेजेंट थे। समझ में आ गई? तो अब इन बच्चों के साथ बहुत समस्या हो गई क्योंकि भाई इनका अधिकार है, कट ऑफ तो ये आप सेकेंड लिस्ट में इनको आना चाहिए, लेकिन ये पहले डीबी में नहीं गए क्योंकि इनकी पहले डीबी में नाम था, इस वजह से इनके साथ ये लोचा हुआ है। तो ऐसे बच्चों के साथ जो भी दिक्कतें हुई है, तो भैया एक मेल कर दो यूपीपीआरपीबी को, और दूसरा बात जल्दी से जल्दी कदम उठाओ कि आप सभी लोग भर्ती बोर्ड पहुंच जाओ। ऐसे बच्चे जो ईमानदारी के साथ कि भाई हमने बीकॉम नहीं किया और हमारा अकाउंटमेंट नाम था, अकाउंटेंट में नाम था, इस वजह से हम नहीं गए, तो हमारा सेकंड में आना चाहिए था, तो आप भर्ती बोर्ड जाओ, डीजी सर से मिलो और अपनी आप बीती सुनाओ कि सर मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, तो मेरा कहीं ना कहीं हानि हो रहा है, ठीक है, वो फॉर्म नहीं एक्सेप्ट कर रहा था तो उस समय मैं नहीं जान रहा था, और ऐसा कुछ आ भी नहीं रहा था फॉर्म में जब भराया जा रहा था कि आप बीकॉम नहीं चूज कर सकते हो, आप कोई डिग्री चूज कर लो, लेकिन उसके बाद भी आपके जो चूज करने वाला ऑप्शन आ रहा था प्रेफरेंस वाला, उसमें आपका अकाउंटेंट का प्रेफरेंस दे रहा था। तो जब बच्चा डिग्री चूज कर रहा है कि मैं एमए हूं चाहे बीए हूं, तो उसको बीकॉम वाली प्रेफरेंस नहीं देनी चाहिए थी ना, तो फॉर्म की कहीं ना कहीं टेक्निकल इशू था। तो आप एक बार डीजी सर से मिलो और उनको ये आप अपनी आप बीती बताओ, तो हो सकता है कि आपका जो डीबी है कोई स्पेशल डेट निकाल के करवा दिया जाए, क्योंकि बार बार ये मौका नहीं मिलता है, ठीक है। तो जो ऐसे कैंडिडेट हैं वो ध्यान रखें इस बात को, और जो ये सोच रहे हैं कि मेरा पहले लिस्ट में हो गया दूसरे में भी आना चाहिए, नहीं, ठीक है आपका कट ऑफ डाउन हुआ है, और हो सकता है आप अकाउंटेंट में सेलेक्टेड थे, आप मिनिस्ट्रियल का सोच रहे हो, ठीक है, तो वो सब कुछ सही है, आप मिनिस्ट्रियल में लाइक करते हो क्योंकि आपकी डीबी हो चुकी है, तो उसके लिए निश्चिंत रहिए, आप जब जाने जाओगे स्किल टेस्ट देने जाओगे तो आपकी मिनिस्ट्रियल वाली ही स्किल टेस्ट होगा, ठीक है, तो उसके लिए निश्चिंत रहिए। तो ऐसे जिनके भी प्रश्न हैं और भी जो दिक्कतें हैं आप इस वीडियो के कमेंट में बता सकते हैं, और जो भी बच्चे सेकेंड लिस्ट में शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, आप लोग जो नीचे नंबर चल रहा है परीक्षा प्लस का जो ये नंबर है, उस पर व्हाट्सएप के थ्रू आप अपने प्रश्न को आप बता सकते हो कि हाँ सर हम सेलेक्ट हुए हैं, कोई भी दिक्कत आपको डीबी में है, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है वो भी बता सकते हो, ये दोनों नंबर है, आप WhatsApp के थ्रू हमें अपनी जो भी परेशानियां हैं वो बता सकते हो, और जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं एटलीस्ट वो बता दो कि भाई हमारी जो मेहनत थी आप लोगों के साथ 7 तारीख को लखनऊ चलो अभियान में, कि हाँ सेकेंड लिस्ट आनी चाहिए, और जब तक लिस्ट आनी चाहिए जब तक आपकी वैकेंसी खाली रहे तो वो अभियान सफल रहा, तो कितने लोग उसमें सफल हुए हैं एटलीस्ट अपना स्क्रीनशॉट इस नंबर पर व्हाट्सअप करिए, ताकि हमें पता चले कि हमारे बच्चे जो हमसे कनेक्ट हैं वो कितने लोग सेलेक्ट हुए हैं सेकेंड लिस्ट में। चलिए इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं, और जो भी क्वेरी होगी इस पे व्हाट्सएप करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।